तो चलिए आज के वीडियो में हम लेके आए भारत और विश्व के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल। तो देखिए आज के वीडियो में टॉप 50 इम्पोर्टेंट MCQ है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं हम फिर। तो देखो आज का प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन है, देखो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो देखो जो हुमायूं का मकबरा है वो देखो दिल्ली में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कुतुब मीनार कहाँ पर है। तो देखो जो कुतुब मीनार है ये भी देखो दिल्ली में ही है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए दिल्ली इसके लिए सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है गीजा के महान पिरामिड कहाँ पर है। तो देखो जो गीजा के महान पिरामिड है ये है देखो मिस्र में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बुर्ज खलीफा कहाँ पर स्थित है। देखो ये जो बुर्ज खलीफा है ये देखो दुबई में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो यहाँ पे बताना है जामा मस्जिद कहाँ पर है। तो देखो जो जामा मस्जिद है वो है देखो दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ओपेरा हाउस कहाँ पर है। तो देखो जो ओपेरा हाउस है ये है देखो सिडनी में, तो ऑप्शन नंबर सी सिडनी सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है एलोरा अजंता और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो देखो ये एलोरा अजंता और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है। तो ये देखो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है हॉलीवुड कहाँ पर स्थित है। तो ये देखो लॉस एंजल्स में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 10, हैंगिंग गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये जो हैंगिंग गार्डन है ये देखो मुंबई में है, ऑप्शन नंबर सी मुंबई सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है शालीमार बाग कहाँ पर है। तो देखो जो शालीमार बाग है ये देखो जम्मू कश्मीर में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है। तो देखो जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो है कोलकाता में, यानी ऑप्शन नंबर ए कोलकाता बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो अगले क्वेश्चन में है ग्रैंड पैलेस कहाँ पर है। तो देखो जो ग्रैंड पैलेस है ये देखो बैंकॉक में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो फोर्ट विलियम कहाँ पर है। तो देखो फोर्ट विलियम कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, तो देखो अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो देखो जो अकबर का मकबरा है वो देखो आगरा में है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखो द स्ट्रिप कहाँ पर स्थित है। द स्ट्रिप है वो है देखो आपका लॉस वेगास में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, तो देखो यहाँ पे गोल गुंबज कहाँ पर है। तो देखो जो आपका गोल गुंबज है ये है देखो कर्नाटक राज्य में, तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो मैसूर महल कहाँ पर है। तो मैसूर महल देखो ये कर्नाटक में, तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन है देखो पर्ल टावर कहाँ पर स्थित है। तो जो पर्ल टावर है ये है देखो शंघाई में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देखो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो देखो जो मीनाक्षी मंदिर है यह देखो तमिलनाडु राज्य में, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन नंबर 21, देखो चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो ये चार मीनार है देखो हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो बिरला मंदिर कहाँ पर है, तो देखो जो बिरला मंदिर है ये आपका हैदराबाद में है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 23, तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में बताना है गोलकुंडा कहाँ पर है, तो देखो ये गोलकुंडा देखो हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसके लिए। देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पर है, तो ये तो देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये आपका न्यूयॉर्क में है, यानी ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर है, तो देखो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है आपका केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये है देखो आपका जयपुर में, ऑप्शन नंबर ए जयपुर सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो 27, तो देखो 27 क्वेश्चन में दिया है कि अजमेर शरीफ दरगाह कहाँ पर है, तो देखो जो अजमेर शरीफ दरगाह है वो देखो अजमेर में ही है, यानी ऑप्शन नंबर सी अजमेर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28, देखो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो देखो जो दिलवाड़ा मंदिर है वो है देखो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, मानसून महल कहाँ पर स्थित है, तो ये देखो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया इसके लिए। ग्वालियर का किला कहाँ पर है, तो देखो जो ग्वालियर किला है ये आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो 31, देखो हवा महल कहाँ पर है, तो देखो जो हवा महल है वो है देखो जयपुर राजस्थान में, तो देखो ऑप्शन नंबर डी जयपुर बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। जूनागढ़ का किला कहाँ पर है, तो देखो जो जूनागढ़ किला है ये बीकानेर में, तो ऑप्शन नंबर ए बीकानेर बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो यहाँ 33, जल महल कहाँ पर स्थित है, तो देखो जो जल महल है वो है देखो जयपुर में, तो ऑप्शन नंबर बी जयपुर सही आंसर हो जाएगा। भद्रेश्वर जैन मंदिर बताना है ये कहाँ पर है, तो देखो जो भद्रेश्वर जैन मंदिर है ये गुजरात राज्य में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 35, विष्णु मंदिर कहाँ पर है, तो देखो जो विष्णु मंदिर है ये देखो बिहार राज्य में, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो टाइम्स स्क्वायर कहाँ पर है, तो देखो जो टाइम्स स्क्वायर है ये देखो न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 37, ब्लू मस्जिद कहाँ पर है, तो देखो जो ब्लू मस्जिद है ये इस्तांबुल में, ऑप्शन नंबर डी इस्तांबुल सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो देखो जो शेरशाह सूरी का मकबरा है ये देखो बिहार सासाराम में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिहार सही आंसर है इसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, तो देखो जो जगन्नाथ मंदिर है ये उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल गुंबज कहाँ पर है, तो देखो जो गोल गुंबज है ये कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 41, रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है, तो देखो जो रूमी दरवाजा है ये लखनऊ में, यानी ऑप्शन नंबर डी लखनऊ बिल्कुल सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 42, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो देखो जो सबरीमाला मंदिर है ये देखो आपका केरल में, ऑप्शन नंबर बी केरल सही आंसर होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो राजरानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखो जो राजरानी मंदिर है ये उड़ीसा में है, तो ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 44, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो देखो जो सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 45, ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये देखो जो ब्रह्मा मंदिर है ये है देखो पुष्कर में, तो देखो ऑप्शन नंबर सी पुष्कर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन दिया है, देखो लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो ये देखो जो लिंगराज मंदिर है ये उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा बिल्कुल सही आंसर बनेगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 47, लालबाग गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ये देखो जो लालबाग गार्डन है ये कर्नाटक राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 48, वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर है? तो ये है देखो जम्मू कश्मीर राज्य में, तो ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, देखो ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ये देखो ताजमहल भारत में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 50, सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो देखो सूर्य मंदिर है देखो कोलांक में, तो देखो कोलांक यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो ये था देखो आज का प्रैक्टिस है, तो देखो कैसा लगा आज का वीडियो ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए सभी लोग। एक बार जो है सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और जितने नए व्यूअर आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले इस प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही।